अद्भुत, अतुल्य, बेमिसाल, लाजवाब, स्तकी, सुगोई, ककोई, सुबाराशि, इन सारे शब्दों से इस चीज का दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई बात इस चीज में नहीं है। यह है सोनीलैक्स SL 526। सोनीलैक्स नाम कैसा, एकदम लैक्सेटिव जैसा। एक बहुत ही ज्यादा मोटा और छोटा सा ये FM रेडियो है और इसमें ब्लूटूथ है, साथ ही में ये पुराने जमाने का मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है और इसमें USB का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और ऊपर से इसमें ऑक्स भी है। और इस चीज से कोई उतना ही प्यार कर सकता है जितना कोई अपने भाई या बहन से करता है। जो कुछ भी आप डिजर्व करते हैं वो सब कुछ ये लोग लेकर चले जाते हैं, फिर चाहे वो पैसा हो, कपड़े हो, गेम्स हो या फिर स्नैक्स हो, और अंत में आपके लिए बचता है सिर्फ ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। अगर कोई चीज आपको उनका कत्ल करने से रोकती है तो वो ये है कि वो आपके दादा के बेटे के बीवी के बच्चे हैं। इसे पावर मिलती है इसके अंदर लगी हुई रिचार्जेबल बैटरी से, जिसे आप जितना चाहे उतना चार्ज करें फिर भी ये 1 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी। या तो फिर आप इसे चला सकते हैं AC केबल के साथ, जो आपको इसके साथ मुफ्त में मिलेगी, या फिर आप इसे चला सकते हैं 3 AA बैटरीज के साथ। और अब देखिए इसका साउंड और रिसेप्शन। 1 2 3 4 बोलिए। 1 2 3 4 बिल्कुल ठीक है। अब इसकी तबले के साथ हम सिर्फ इसकी लैब आर्ट देखेंगे कि कैसे आता है। हाँ, जय जय हे भगवती सुर भारती। एकदम ट्रेबल से भरपूर इसका साउंड है, एकदम शार्प। इसका साउंड उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें टॉक शोज और न्यूज बहुत ही ज्यादा पसंद है। और इसकी कमाल की बनावट के बारे में क्या कहूं, ये इतनी कमाल की है, इतनी खतरनाक है कि इसका ये स्टिकर भी इसे छोड़कर जाना चाहता है। और जरा इसके बटन्स देखिए, सभी बटन्स के बीच में यहां पर सिर्फ एक ही ऐसा बटन है जो बहुत ही ज्यादा छोटा है। सिर्फ इतना सा प्लास्टिक बचाकर इस कंपनी को ना जाने किस इमारत का ठेका मिलने वाला था, या फिर अमृत मिलने वाला था, या फिर ऐसा शास्त्रों में लिखा था। यह सब कुछ एक रहस्य है जिसे स्कूबी डू और रेमंड सी शिंडलर भी नहीं सुलझा सकता। और यह रहा इसका कमाल का एंटेना, जिसकी जगह अगर एस्पादा रोपेरा होती तो ज्यादा बेहतर होता, रिसेप्शन के लिए भी और आपके अंदर के साइको के लिए भी। तो क्या ये खरीदना चाहिए? अगर आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी चाहिए तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आपको किसी को मारना है तो सड़क पर ढेर सारे ईंट और पत्थर पड़े रहते हैं, बेकार में पैसे बर्बाद क्यों करें? अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।